Hai Wei. S.K.EDU-TRACK. Aji. English improvement, English perfectness, ebang English development bisare S.K.EDU-TRACK. Nijara YouTube madhyamare nijara shikshan prakriya ko tarannit karichi. Tenu English bhashar bikas pai keu sabu tricks, techniques, tactics rahichi taro parjakrame coaching diajibo ebang ajira je bisha rahichi English alphabet A ro English grammar re kete percent bhumika rahichi यार व्यवहार विषय आमे कोन धारणा रही छे हमरो एवं याको आमे केमिति कंट्रोल करिबा ए कुने आमे केमिति इंग्लिश ट्रांसलेट करि परिबा एवं एरो मीनिंग कोन ए सब विषय आमे आलोचना करिबा प्रथमे देखिबा आमे ए मींस एनी जे कोनसी ए मींस वन गोटेबा एक ए मींस सिंगल जणे ए मींस द सेम एक प्रकार एक प्रकार ए मींस पेयर प्रत्येक तार अर्थ एने होछि तार वर्ड सेम मीनिंग बा रेफरेंस मीनिंग तर उड़िया मीनिंग किंतु जते बेले आमे ए को यूज करू छु वास्तविक ए रो ए सब उड़िया मीनिंग बिषय रे हमरा सफिशिएंट नॉलेज रही छि कि नाही निजु को पचारियो पड़िबो ताले गणि परिबा ए रो व्यवहार बिषय रे वर्तमान आमे देखिबा ए रो सब फीचर सब कोन कोन सब रही छि आमे देखिबा A is a functional word. Functional word. First, A is an adjective. A is an determiner. A is an article. A is the first letter of English alphabet. Okay. First phase आपने देखी ले meaning. Second phase A is a functional word. A is an adjective. A is an determiner. A is an article. A is the first letter of English alphabet. This is the normal concept of English language regarding a letter. Next time देखिए बोलते ना a रो व्यवहार विषय में बताने देखिए बोलेगा. ये तो दीजा फेस नोट कर दियो. यहाँ पर हमें नेक्स्ट फेस को दीजा. वर्तमान आउटर में कर दो ची. A means any, जो कौन सी? A means one, बूटी बाय को. A means single, जोने. A means दो सेम, एक आप प्रकार. A means pair, प्रत्येक बाय को. Second फेस A is the functional word. A is an adjective. A is an determiner. A is an article. A is the first letter of English alphabet. This is the concept of A. Next time likhiye vartamano. A ko ne ami kemiti byabohar kariba. First hochi odia bhashar bikas English bhashar bikas kariba kore. तेणु प्रथम देखा जेहतु पर्टिकुलर आम ओडिया टर्म को इम्पोर्टेंट ओडिया आम अधिकांश पढ़ु तेणु जेकोसी लर्नर्स जब कौन भाषा को मदर टर्म नहीं मदर टर्म रु ही आम अगर कंट्रोल अगर भाषा को कंट्रोल कर एग्जांपल आप देखिए बर्तमान घर निहती भाव में या कोई आम ट्रांसलेट करने पा कह आम कर बुझे न्यादी से लिखी दबो दिस हाउस तमने एथिरा में यहाँ रो इंग्लिश मीनिंग घर रो इंग्लिश मीनिंग
नेगला परे आमे ताक रखे देले जदर कि वाक्य संपूर्ण भाबरे भूल हेला तार अर्थ ओडिया वाक्य रे भूल रही छी कि हम फर्स्ट क्वेश्चन पचरिया पडिबो नेहाति भाबरे ओडिया वाक्य रे भूल रही छी एहा हेउची गोटे घर दिस इज द कंप्लीट ओडिया मीनिंग एटा हमें जेटा लिखि परिबा नियम तेमरे या द्वारा ट्रांसलेट क्लियर करि परिबा एग्जांपल हम देखिबा दिस इज ए हाउस जदरे के वर्तमान जेतेले हमें ओडिया वर्ण बा ओडिया वर्ड संख्या 4 इंग्लिश वर्ड संख्या भी चाहिए जदरे कि हमें इंग्लिश को ट्रांसलेट करिया पई बहुत इजी प्रोसेस रहउची ए जगह रे हमें ए रो मीनिंग जो हम पूर्व टेबल दे दैतला से टेबल को हम देखिबा ताले ए माने गोटिए एथरा हम क्लियर हेले ए होची ए हम काई के यूज करउ छी फर्स्ट क्वेश्चन वर्तमान ए हाउस क्लियर वर्तमान हम लेबे दवा ए हाउस गोटिए या परे हम ए हाउस काई को रीजन कोन ए फंक्शनल वर्ड प्लस कंटेंट वर्ड फंक्शनल वर्ड से तो कंटेंट वर्ड मिसी एडो फ्रेज ही चलो फ्रेज को आ जाए ए हाउस एक फ्रेज फ्रेज देतु फंक्शनल वर्ड्स का कंटेंट वर्ड रो तैयार है तब हम फ्रेज को सेमिति ए कैट ए बुक ए चेयर इटीसी हमें काहे की कहू हम बर्तन देखा ए कैट सी इंग्राजी वर्णमाला इंग्लिश वर्णमाला सी हूँ एक व्यंजन वर्ण सेमिति बी हूँ एक व्यंजन वर्ण सी हूँ एक व्यंजन वर्ण तेणु व्यंजन वर्ण पूर्व आम सब ए यूज करवा और ए परे जो वर्ड अछि से वर्ड को हम काउंट करि पारथिबार अछि गणि पारथिबार अछि यदि हम गणि पारु छु ताले हम ए यूज करिबा किंतु वर्णमाला रा जो हमर व्यंजन वर्ण थिबार आवश्यकता रहै छै तार अर्थ क ठारो ल पर्यंत क ठारो ल पर्यंत जो हमर ओडिया वर्णमाला रहै छै से वर्णमाला रो सेमि साउंड आसिले अर्थ कंसोनेंट साउंड आसिले हम डेफिनेटली ए यूज करिबा एतर वेरी सिंपल एजेस्ट हुए तेना बेसिक किसी रिक्स नवा दरकार नहीं ग्रामर को बेस इंपोर्टेंस देले इंग्लिश भाषा दुर्बल हुए तेणु इंग्लिश भाषा को सबल करिया कहले ग्रामर उपर इंपोर्टेंस न दे आम वर्ड उपर इंपोर्टेंस देले हमर भाषा निहत भाव गतिशील हो पारे तेणु आम देखिले ए रो यूज ए सहित तार सिनोनिम रही है आन गोटे अच्छी आम आन विषय नेक्स्ट क्लास आलोचना करवा कि आज टॉपिक थी आम ए इंपोर्टेंस ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए यूज ऑफ ए तेणु बर्तमान ए उपर जो कनसेप्ट दिगला कनसेप्ट द्वारा आम ट्रांसफर करें बर्तन देखा ये जो यहाँ लिखा ये जो लिखा था बुल दिस इज ए हाउस दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस तेनालीर ए इंपोर्टेंस रही बिकज हाउस एक गोटे गणन्य विशेष पद आपको आम गणी पार तेणु एवं तार प्रथम अक्षर आम उच्चारण होने वर्ण ओडिया आम ओडिया वर्णमाल आम कह व्यंजन वर्ण इंग्लिश से सेमिति आम कनसनेंट कही पारा से लिंक थी जो आम से ए यूज करेणु ए इम्पोर्टेन्स प्रति गोटे एक जो टेबुल को आम सर्च कलापर निज तरफ नेक्स्ट क्लास जो आम दिजाई क्लास और डिटेल आलोचना करवा एर आहरी कौन सब तथ्य गुड़िक रही है तेना बर्तमान आज छोट भिडियो इंग्लिश लांगुएज प्रक्रिया डिफिकल्ट ना इजी आम बुझीपर तेणु बास्तविक बुझा एवं बुझेवा शिखा एवं शिखेवा ये जो विभिन्न प्रक्रिया रही अनुधान करवा जेकोसी भाषा सहज हो पार केवल इंग्लीश भाषा नुह सब सब्जेक्ट रे केमी आम सब्जेक्ट निजर करें ट्रैक निजर निरंतर चेषा करुच्छी तेणु आज वीडियो देखला सब्सक्राइब लाइक और कमेंट आउ कि मतामत अनुरोध करुचु एवं जब सीधा सड़क टेलीफोनिक सर्विस रही है गोटे फोन नंबर दिज्व फोन नंबर हूँ 9438 2 5 6 7 3
ए नंबर सीधा सड़क आप कमेंट करेंगे कमेंट बक्स में न लिखे सीधा सड़क फोन में पचारि पारे आचारे कि समस्त तथ्य कलेक्शन करेंगे आपंकर जिते सब कौन डाउट रोचे नंबर फोन करके 24 घंटे हेल्पलाइन फ्री अच्छी तेनाली पचारिपारे तेनाली आज क्लास ये थैंक यू।